and other subjects. मैं माने तो खुशी हूँ, इसी क्षेत्री तो खुशी तो अजय कहा था, क्योंकि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेहमान खसूसी का मकसद क्या है। आमतौर से ये वैकेंसी कहिए 30-25 साल पहले ये की गई थी जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और ये समझ नहीं आ रहा था कि लोगों के साथ क्या किया जाए, तो कहा जल्द से कम से कम 1,000 आदमी ऐसे निपटाया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले मेहमान खसूसी का फर्ज अदा करता हूँ, यानी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू अकेडमी का, खासतौर पर दीवान वीरेंद्रनाथ जनाब जफर प्यानी और शरीफुल हसन नकवी साहब, इन तीनों साहिबान का। आज पता लगा के दो हैं, लेकिन आज से पहले मैं दीवान वीरेंद्रनाथ और जफर प्यानी को आमतौर पर उर्दू अकेडमियाँ हिंदुस्तान में यतीम खाने बनते रहती हैं, तो साल में कुछ नाम दे दिए, कुछ उससे दे दिए, कर दिए, कुछ ऐसी हैं, लेकिन कोई खास काम नहीं करती। इसके बरक्स मैं समझता हूँ कि दिल्ली अकेडमी कभी कभी अच्छा काम करती है, और आज वो दिन है, इसके साथ भी कुछ हुआ था। आज देखिए, आपने उर्दू और खासतौर पर दलों मजा से एक छह मीनार खड़ा कर दिया है। दिल्ली में पहले एक कुतुब मीनार था और शायद कई लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ एक चोर मीनार भी है, और हैदराबाद में एक चार मीनार है, और उसकी चार मीनारों की बुजुर्गी का लिहाज करते हुए आपने छह मीनार खड़ा किया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगले साल अगर हैदराबाद तो क्या हेडक्वार्टर्स है, तो अगर आपको कभी आइडिया की कमी महसूस हो तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगले साल आप एक नंबर और सितार यानी तंग मिला कर एक वर्कशॉप करें। सेमिनार के पास एक वर्कशॉप ही हो सकती है, उसके पास कुछ और हो सकता है, लेकिन उर्दू अकेडमी डेली अगर आइडियाज कम हो जाएं तो फिर मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की दूसरी अकेडमी में क्या बात। तो एक बार फिर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब मैं आपको अपना मजमून सुनाता हूँ। मेरे मजमून का उन्वान है कुत्ते चंद आवारा ख्याल। आप में से शायद कुछ लोग ये इतराज करें कि मजमून का उन्वान सही नहीं, आवारा कुत्ते के साथ आना चाहिए था, ख्याल के साथ नहीं। इतनी नाम रखिए, मैंने सोच समझ कर ही लफ्ज आवारा ख्याल के साथ चलाया है, क्योंकि इस मजमून के कुत्ते आवारा नहीं। हाँ, अलबत्ता ख्याल जरूर काफी हद तक आवारा है कि आदत से मजबूर। एक और बात वादा कर दूं, यह ख्याल किसी कुत्ते के नहीं, कुत्ते के बारे में, किसी खास कुत्ते के बारे में, कुत्तों के बारे में, कुत्तों की जिन्स के बारे में। अब जिन्स का मतलब यहां सेक्स से नहीं, क्योंकि कुत्तों की सेक्स लाइफ में कोई ऐसा राज नहीं कि उस पर किसी मजमून की जरूरत हो। जैसे कॉमन मैन होता है, वैसे ही हमने कॉमन डॉग ले लिया। ये भी वाजह हो कि इस मजमून में सब इशारे, हवाले और वाकयात फर्जी कुत्तों के हैं, सवाए हमारे अपने कुत्ते। अगर इस मजमून के कुत्तों की किसी असली कुत्ते या उसके मालिक के साथ मुशावरत हो तो वो महज एक इत्तफाकिया बात होगी, इसके लिए मुसन्नफ किसी कुत्ते या उसके मालिक के सामने जवाबदेह नहीं होगा, और ना ही इस वजह से किसी कुत्ते या उसके मालक को उस पर काफने का हक हासिल हो। कुत्ता बड़ा समझदार जानवर है, वो बहुत कुछ समझ सकता है लेकिन बोल नहीं सकता।
अगर कोई कुत्ता कभी आपसे करे कि वो बोल सकता है तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। कुत्ता इंसान का बेहतरीन दोस्त माना जाता है, वो इसलिए कि वो ना कभी नसीहत करता है, ना उधार मांगने की कोशिश करता है और ना ही किसी की सिफारिश करता है। कुत्ता इंसान का सच्चा दोस्त है, वो खरीदा जा सकता है, बेचा भी जाता है, पर साबित हुआ कि सच्ची दोस्ती खरीदी और बेची जाती है। हमारी तारीख और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी तिजारत की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। यह इत्तेफाकी बात नहीं कि इंसान का बेहतरीन दोस्त बोल नहीं सकता, वो जुबान की बजाय अपनी दुम लाता है। कई कुत्तों की दुम कटी हुई होती है लेकिन फिर भी वो अपनी जुबान नहीं लाते। डैशन कुत्ते की दुम रिमोट कंट्रोल से खिलाई जाती है। बारह कई कुत्ते अपनी जबान बाहर रखाए रहते हैं, ऐसा सिर्फ दुमदार कुत्ते ही करते हैं। इससे लोग अपने जिस्म का बैलेंस बराबर रखने की कोशिश करते हैं, एक तरफ दुम एक तरफ जबान। जिन कुत्तों की दुम कटी होती है उन्हें बैलेंस का मसला नहीं होता। जब कभी कोई कुत्ता खौफजदा या शिकस्त कुत्ता होकर भागता है तो अपनी दुम टांगों में दबा लेता है। आपने देखा होगा, वो इसलिए करता है कि इससे फ्रिक्शन में कमी हो जाती और कुत्ता तेज दौड़ सकता है। जो लोग अपने कुत्तों को दलेर और निडर बनाना चाहते हैं वो उनकी दुम काट देते हैं। ना होगी दुम ना बजेगी बांह। कुत्तों की मुताबिक नस्लें हैं। अमूमन हर मुल्क का एक सद, एक झंडा, एक कौमी तराना और एक कुत्ते की नस्ल होती है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में फी मुल्क कई नस्लें होती हैं। बड़े से बड़े कुत्ते का कद चीते जितना और छोटे से छोटे कुत्ते का कद सुंदर जितना होता है। इंसानों की तरह कई कुत्तों के बाल बड़े घने होते हैं और कई बिल्कुल गंजे। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान का सिर्फ सर गंजा होता है, कुत्तों का सारा जिस्म। लासा नस्ल के कुत्तों के बाल इतने कसीर होते हैं कि ये पहचानना मुश्किल होता है कि उनकी अगली तरफ कौन सी और पिछली तरफ। कुत्ता चाहे कितना भी छोटा और पस्ता का क्यों ना हो, उसने ये खूबी होती है कि उसके पैर हमेशा जमीन तक पहुंच जाते हैं। इससे उसे चलने फिरने और भागने में मदद मिलती है। खसदर के लिहाज से कुत्तों की दो किस्में होती हैं, एक काटने वाली और दूसरे ना काटने। ना काटने वाले कुत्ते अपना सारा वक्त और तवज्जो सूंघने और भौंकने में लगा देते। इन दो अमलों की कोई तरतीब नहीं। कुत्ते भौंकने से पहले सूंघ लेते हैं, कई जल्दबाज कुत्ते सीधा भौंकना शुरू कर देते हैं। काटने वाले कुत्ते सूंघने में वक्त तैयार नहीं करते। कई बार वो जुकाम की वजह से ऐसा करते हैं, अगर जरूरी हो तो वो काटने के बाद आराम से सूंघते हैं और इस तरह अपने किए पर पछताते हैं। कुत्ते से काटे जाने से बचने का एक तरीका ये है कि श्रेष्ठ रिश्ते को कुत्ता आप पर छपते, आप उसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि गरजते बादल बरसते नहीं और जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते हैं। इस कहावत का मतलब यह है कि जब कुत्ता भौंक रहा होता है उस वक्त वो नहीं काटता, लेकिन भौंकने से पहले ही उसके बाद यकीनन काट सकता है। ये नोट करनी थी। और वो अमूमन काटता भी है। भौंकना आमतौर पर कुत्ता अपने मालिक या मालकिन से सीखता है। स्टेटस के लिहाज से कुत्ते दो जुमरों में बांटे जाते हैं, आवारा और पालतू, बिल्कुल जैसे मर्द और खासतौर पर शायद। कुत्तों के शौकीन अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के कुत्ते लेते हैं। कई कुत्ते सिर्फ घर की शोभा बढ़ाते हैं, कई मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। एक किस्म शिकारी कुत्तों की होती है,
कई कुत्ते रखवाली बड़ी अच्छी तरह करते। हमने एक बार एक रखवाली करने वाला कुत्ता पाला, बड़ा होशियार था। रात को जरा भी मजबूत आहट होने पर हम फौरन से जगा देते और वो पाना ही नहीं। हमने हर किस्म के कुत्ते पालकर देखे हैं और इस मॉडल पर बड़ी एक्सपर्ट राय करते। अगर आप फैमिली प्लानिंग करवाना भूल गए हों या करवाने के बाद अगर वो कामयाब साबित ना हुई तो और आपका संभव बड़ा तो हमारी राय है कि आप जयशंकर नस्ल का कुत्ता लें। उसकी पीठ इतनी लंबी होती है कि आपके सारे बच्चे व्यर्थ वक्त एक साथ उसे थपका और थपका सकते हैं। हिंदुस्तान में पालतू कुत्तों के नाम अंग्रेजों के नाम पर होते हैं। उनकी मादरी जुबान भी अंग्रेजी होती है, इसीलिए हर रोज अंग्रेजी मीडियम के नए नए स्कूल खुल रहे हैं। इसीलिए हर रोज अंग्रेजी मीडियम के नए नए स्कूल खुल रहे हैं ताकि लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ अच्छी तरह बातचीत कर सकें। वो आम कुत्ते थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत तीन जबानें समझ सकते हैं, लेकिन अच्छी नस्ल के कुत्ते सिर्फ अंग्रेजी ही समझ पाते। एक बार हमारे एक अच्छी नस्ल के दोस्त का अच्छी नस्ल का कुत्ता गुम हो गया। उसने उर्दू और हिंदी के अखबारों में इश्तहार दिया, क्योंकि आमतौर पर चोरी करने वाले हिंदुस्तानी जबाने जानते उसने इनाम का ऐलान भी किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। फिर उसने गुमशुदगी का इश्तहार अंग्रेजी अखबार में दिया। ये इश्तहार छपते ही कुत्ता खुद को खुद वापस आ गया। जैसा कि हमने कहा है, हमने हमेशा एक ना एक कुत्ता पाला, हालांकि बेगम को कुत्ते पसंद नहीं। इस तरह हमें किसी रियासत में मुखालिफ पार्टी की हुकूमत चलाने की मुश्किलों का बखूबी अंदाजा है। बेगम का कहना है कि कुत्ते वही औरतें पसंद करती हैं जिन्हें किसी मर्द का प्यार न मिला। हालांकि ऐसी दलील से हमारा मुंह बंद हो जाता है, फिर भी हम कुत्ते रखने पर मुस्तैद हैं। एक बार तो हमने कुत्तों का एक जोड़ा रखा, लेकिन ना जाने क्यों हमारे कुत्तों के साथ हर किस्म के हादसे होते रहते हैं। हमारा एक कुत्ता भाग गया, एक चोरी हो गया, एक लॉरी के नीचे आकर मर गया, दो कुत्ते पागल हो गए, शादी हुई। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। एक को एक पागल सांप ने काट, एक कुत्ता भागते वक्त हकलाता था, उसे हमने खुद ही डिसमिस कर दिया। एक खाने में जहर से मर गया, अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि इसमें बेगम की साजिश थी या कुत्ते ने खुदकुशी की। बेरोजगार कुत्ते आवारा कहला, कुत्तों को गमे जाना कभी लाहक नहीं होता, लेकिन गमे रोजगार से कई कुत्ते पागल हो जाते। ऐसे कुत्ते गली मारे सकते हैं। इसके बरक्स पालतू कुत्ते मजे से इंसानी घरों में रहते हैं। सरकारी नौकरी के खासमंद कुत्तों के लिए सिर्फ पुलिस में ही स्कोप है। पुलिस में भी सिर्फ सरकारी नौकरी के खासमंद कुत्तों के लिए सिर्फ पुलिस में ही स्कोप है। पुलिस में भी और वो भी सिर्फ एलसेशन कुत्ते ही लिए जाते हैं। इस इम्तियाज के खिलाफ दूसरी नस्ल के कुत्तों ने बारहा एहतजाज भी किया, लेकिन अभी तक इस मामले में हुकूमत की रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। पुलिस के कुत्ते ऐसे मुजरिमों को पकड़ने में काम लाए जाते हैं जिनके जिस्म में से बदबू आ रही है। साफ सुथरे और शरीफ मुजरिमों को पुलिस के आला अहदेदार खुद पकड़ना पसंद है। हमने एक दिन एक पुलिस अफसर के पास घर में एक कुत्ते को सुस्ताते हुए देखा। हमने कहा, क्या खूब है,
आपका कुत्ता बड़े मजे से सोया हुआ, उसने जवाब दिया क्यों ना हो, पुलिस का कुत्ता। हमने कहा हमें तो ये पुलिस कुत्ता नहीं लगता, कुदरती बात है, इसमें कुदरती बात क्या है। उसने कहा तुम इसे पहचान नहीं पा रहे क्योंकि इस वक्त उसने वर्दी नहीं पहनी। बड़ी देर से हमारा कुत्ता हमारी तरफ कटकटी बातें देख रहा है, वो गालिबन भाग गया है कि हम उसकी जात के बारे में कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ये मजमून देखते वक्त हम बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। वैसे ही जैसे तस्वीर बनाता हुआ कोई आर्टिस्ट किसी नंगे वाड़ी की तरफ देखा जाता है। आखिर हमसे ना रह गया, हम यूं ही उससे मुखातिब हुए, हम तुम्हारी बरादरी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, कहो तुम्हें कुछ कहना है। हमारे कमरे में मार्क ट्वेन की एक तस्वीर लगी। हमारे सवाल के जवाब में हमारे कुत्ते ने अपनी समाधि तोड़ी और एक झटके से अपनी धुतनी मार्क ट्वेन की तस्वीर की तरफ कर दी। उसकी इस हरकत से पहले तो हम समझे कि शायद मकसूद आ रहा है। हमने अपना सवाल फिर दोहराया, इस बार फिर उसने वादा तौर पर अपनी धुतनी मार्क ट्वेन की तस्वीर की तरफ उठाई और फिर कई बार उसने ऐसा किया जैसे कई बार बच्चे हाथ से खामोश इशारे करते रहते हैं। हमने मार्क ट्वेन की तरफ देखा, सहतन हमें उसका एक कॉल डाला गया। अगर आप किसी बदहाल कुत्ते को पाल कर खुशहाल बना दें तो वो कभी भी आपको काटेगा नहीं। कुत्ते और इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही है।